अगर आपका जल्दी निकल जाता है तो क्या करें, इसके बारे में काफी लोग आते हैं। इसमें क्या है कि इसमें दो प्रकार है। एक है कि जिनकी शादी हो चुकी है और जिनका 8-10-15 दिन में एक आधी बार होता है और उनका जल्दी निकल जाता है। नंबर दो, जिनका रेगुलर इंटरकोर्स होता है रेगुलरली पत्नी के साथ में या और कोई व्यक्ति के साथ में, और उनको उसमें जल्दी निकल जाता है। ऐसे दो प्रकार मेनली हो जाते हैं। तो जिनकी शादी होने की बाकी है, कभी कभी 8-15 दिन में एक बार वो करते हैं सेक्स, तो नेचुरल है कि वो बहुत ही हंग्री है, सेक्स हंगर है उनको, क्योंकि 8-15 दिन से कांटेक्ट ही नहीं हुआ है। इसका ये भी कारण हो सकता है कि शादी हुई है मगर आप पत्नी से दूर है, टूर पे है 15 दिन से, या बाहर का है 2-2 महीना 3-3 महीना, तो फिर आप जब आते हैं तो गैप बहुत हो जाता है, तो फिर जल्दी निकल जाता है। तो इसके लिए मैं एकदम बोलता हूँ कि इसके लिए इलाज हम क्या बताते हैं कि भाई आपका कभी कभी कॉन्टैक्ट होता है तो आप बेस्ट ये है कि आप 2-3 घंटा पहले मास्टरबेट करो, हस्तमैथुन करो, निकाल डालो, ताकि आपका जोश कम हो जाएगा, और 2-3 घंटे के बाद में आपने फिर सेक्स करना है। इसमें लोग पूछते हैं कि सेकंड टाइम टाइट नहीं हुआ तो क्या करना है, तो सेकंड टाइम टाइट नहीं हुआ तो दवाई लेने की, गोली लेने की, इरेक्शन कॉज करने की। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 8-15 दिन में, 1 महीने के बाद में संभोग होने वाला है या होता है, फिर बाहर हो या घर में हो, तो आपने पहले 3 घंटा पहले हाथ से निकाल देने का है, मास्टरबेट करने का है। 3 घंटा पहले उसी समय गोली खाने की है, जो सेक्स टॉनिक है सिल्डेनाफिल टाडालाफिल जैसी गोली खाने की है, और फिर सेक्स करने का है। ऐसा करने से आपका जल्दी गिरेगा नहीं, क्योंकि अभी जो करेंगे आप औरत के साथ में वो सेकंड टाइम होगा, और सेकंड टाइम में नेचुरली टाइम ज़्यादा लगता है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा है कि जो रेगुलर संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं और तभी भी उनका जल्दी निकल जाता है, या फिर 8-15 दिन में सेक्स करते हैं, हस्तमैथुन कर लेते हैं, हस्तमैथुन करने के बाद में भी सेकंड टाइम करते तो जल्दी निकल जाता है, तो उसके लिए गोलियां हैं। तो सेकंड टाइप जो है कि भाई आप सेक्स करो, करने के बाद में सेकंड टाइम करो या गैप देके करो, कैसा भी करो, जल्दी निकल जाता है। तो उसके लिए फिर दवाई देनी पड़ेगी, सिल्डेनाफिल टाडालाफिल, ये दवाई जो है ये हम देते हैं। जल्दी नहीं गिरना चाहिए इसलिए, और बाकी एलोपैथी में जो दवाइयाँ हैं जिसमें SSRI ग्रुप की दवाई है, बेंजोडाइजिपिन्स है, तो वो देख कर मतलब हम उनका जो टाइम है जो कम हुआ है वो अपन बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया पहला। फिर दूसरा जो है कि आपने शराब और टोबैको से दूर रहना चाहिए, शराब और टोबैको से दूर रहो, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन में बहुत मदद करती है। तीसरा जो है कि आप एनिसेटाइज्ड कंडोम्स पहनो, एनिसेटिक कंडोम्स मतलब कंडोम्स है, और एनिसेशिया मतलब जो ड्रग देते हैं एनिसेशिया में भूल देने के लिए, वो अंदर से लगा हुआ है, तो होता क्या है कि लोकल एनिसेटिक तैयार हो जाता है वहाँ, और लोकल एनिस्थेशिया तैयार हो गया फिर वहाँ आपको तकलीफ नहीं होगी, जल्दी गिरेगा नहीं, क्योंकि वो लिंग जो है वो सुन हो जाएगा। तो कंडोम का वापर करना नहीं भूलना है, और एनिस्थेटाइज कंडोम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, आपको नहीं मिले तो हम भेज देंगे। फिर नेक्स्ट चौथा जो है कि स्ट्रेस मत लो। जो तनाव में है बहुत ज़्यादा, कोई आने वाला है, कोई पकड़ लेगा, कोई देखेगा, पुलिस कंप्लेंट हो जाएंगी, पुलिस आ जाएंगी, जल्दी जल्दी करो, मतलब जल्दी करने की उनको आदत जैसे लग गई है, तो ऐसी आदत लगी हुई है, तो वही टाइम है उसको ठीक करने का। ऐसा नहीं कि नहीं चलो अभी कर लो बाद में फिर देखेंगे, नहीं बाद में नहीं आता है टाइम, तो उसी समय उसको ठीक करना है। तीसरा जो है वो है कि कंडोम पहनना न भूलिएगा। कंडोम्स बाजार में मिलते हैं, मार्केट में वो एनिस्थेटाइज कंडोम्स रहते हैं जो सुन करते हैं लिंग को, और कभी कभी क्या होता है कि वजाना में जाने के बाद में अंदर कभी कभी बहुत गर्म मालूम पड़ा तो जल्दी निकल जाता है, तो कंडोम पहनने से क्या होता है गर्म भी मालूम नहीं पड़ेगा और आराम से होगा। तो कंडोम के दो फायदे, एक तो वो गर्मी जो है अंदर की वो महसूस नहीं होगी, और दूसरा एनिस्थेटाइज कंडोम आप वापरते हैं तो लिंग सुन हो जाएगा और वो टाइम बढ़ाने में कामयाब रहेगा, फिर उसमें टाइम मतलब बढ़ जाएगा। फिर चौथा जो है वो है स्ट्रेस नहीं लेने का है, तनाव। जब तनाव लेते हैं आप, कोई भी कर होगा नहीं होगा, क्या होगा, कोई आ जाएगा, पुलिस आ जाएंगी, पकड़ लेंगी, कोई देख लेगा, ऐसा जल्दी करना है जल्दी करना है, जब ऐसा हो जाता है तो फिर जल्दी निकलने की आदत जैसी लग जाती है, जल्दी निकल जाता है। तो हरदम तनाव जो है वो नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं, निकल जाएगा क्या, मैं कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा,
औरत को सेटिस्फाई करूंगा कि नहीं करूंगा, ऐसे विचार दी रहे तो सेक्स मत करो, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बाद में सेक्स करो। नहीं तो फिर ऐसे टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, प्रेशर, ऐसे इसमें सेक्स करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। फिर पांचवा जो है वो है मास्टरबेट करना, कि भाई आपको सभी जो है प्रॉब्लम वो सब ठीक कर रहे हैं आप, तभी भी आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी हो गई है। अभी यदि नहीं ठीक कर दिया तो औरत निकल जाएंगी, तो हम बोलते कि चलो मास्टरबेशन कर लो, हस्तमैथुन कर लो 2-3 घंटा पहले, बाद में गोली खाओ और बाद में सेक्स करो। तो ये जो पांचवी जो मेथड है वो मास्टरबेशन की, हस्तमैथुन की मेथड है। और छठवा जो है वो है स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज टेक्निक मतलब सेक्स करो, पॉइंट ऑफ नोडन जब आता है निकाल लो, पॉइंट ऑफ नोडन के समय दबाओ, ढीला करो, तो इसको बोलते हैं स्क्वीज टेक्निक। इसका अलग से वीडियो मेरा है, तो वो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली टाइम बढ़ जाएगा। और सातवां जो है वो है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज इसका भी मेरा वीडियो अलग से बताया हुआ है, उसमें कैसे करना क्या करना, तो कीगल्स एक्सरसाइज की लिंक भी दी हुई है, वो करो। और वो यदि करते डेफिनेटली आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो ये सभी आप करते हैं तो डेफिनेटली टाइम बढ़ेगा, आपको भी शांति मिलेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, पीस ऑफ माइंड लगेगा, और औरत भी एंजॉय करेंगी और अगले समय नहीं नहीं बोलेंगी। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।